डेंड्रफ देखिए, डेंड्रफ एक टाइप का फंगस है, उस फंगस को खाता है और उसका बीट तो जड़ के अंदर घुसेगा, जड़ के अंदर घुस के जड़वा खदोड़ देगा। बलवा कमजोर हो गया है, झड़ रहा है। कवक, आप जैसे हटते हैं आपके ऊपर आ जाता है कवक, समझा है। डेंड्रफ देखिए, डेंड्रफ एक टाइप का फंगस है, हालांकि उस फंगस को खाता है और उसका बीट है, उसके लेट्रीन जो डेंड्रफ होता है उसमें कवक घूमता है। हम लोग के शरीर में क्या घूमता है? कवक। और कवक वहां घूमते रहता है और उसको ना जो हमारे शरीर के तैलीय ग्रंथि से तेल निकलता है उसको खाना पसंद है। तो तेल जब निकलते रहता है ना तो कवक घूम घूम के क्या करता है? खाते रहता है। अब कभी कभी क्या करता है, जब तेल कम मिलेगा तो जड़ के अंदर घुसेगा, जड़ के अंदर घुस के जड़वा खदोड़ देगा। बलवा कमजोर हो गया है, झड़ रहा है। मेरा भी टूट गया, बाल मेरा टूट गया। अरे नहीं, हमारा बाल, उम्र हो गया 42 साल, अभी तक बाल पका नहीं है, अभी तो बहुत सही है मेरा 42 में, अभी आपको इतना बाल पका है, सब ठीक ठाक है। आज कब शैम्पू, बाल जब कटवाते हैं तब ये लगाइए करते हैं, तो क्योंकि उसको फिर निकलता नहीं है वो, उस जगह तो समझिए आप, वो कभी कभी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि झड़ रहा है, इधर सब बचा है कि नहीं है? चलो ध्यान सब समझिए, फंगस हर जगह पे पाया जाता है, आपके शरीर पे भी पाया जाता है। आप खाना छोड़ दीजिए रोटी, 2 दिन बाद दिखेगा रोटी पे एक वाइट वाइट जम जाए, क्या है वो? फंगस। फंगस इतना छोटा से इतना बड़ा तक पाया जाता है, इतना छोटा भी फंगस होता है, कुछ कुछ बड़ा बड़ा फंगस होते हैं, बड़ा बड़ा। आलू का चिप्स देखे, आलू चिप्स इस टाइप का पेड़ के ऊपर देखिए ना, कभी कभी आलू के चिप्स की तरह लगा रहता है ऐसे ऐसे, कहीं क्या चीज है वो? हाँ, फंगस। तो फंगस एकदम छोटा छोटा भी होता है, मीडियम साइज का, बड़ा बड़ा भी हो जाता है। मशरूम देखे, क्या है वो? फंगस। मशरूम कौन सी है? फंगस है मशरूम। हाँ हाँ, जो खाते हो उसमें प्रोटीन होता है। आप लोग क्या सोच रहे हो, डेंड्रफ में भी प्रोटीन होगा? अभी दिमाग लगाया, अरे मशरूम में प्रोटीन, डेंड्रफ में भी प्रोटीन, ऐसे नहीं होता समझे। हालांकि कीड़े मकोड़ों में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये रियलिटी है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं नाइट्रोजन के भरपूर स्रोत होते हैं, उनमें प्रोटीन होता है। ये ज्यादातर ना कवक जो होते हैं त्वचा पे ही पाए जाते हैं, इसलिए इनसे जो बीमारी होगी ना वो त्वचा से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि ये त्वचा पे ही अंदर जाएंगे मर जाएंगे। रीजन क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम इनको निपटा देता है, जबकि हमारे शरीर में सबसे कमजोर लड़ाका जो है वो लाइसोजाइम है, उससे कमजोर तो कोई है ही नहीं है। लाइसोजाइम से आंसू में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम, पसीना में लाइस, तो सबसे ई मार डालता है। तो बड़का बड़का अंदर जाएंगे, WBC भेंट होगा तो इनको सुताइए देगा WBC, यहाँ पर अंदर चला जाए। कभी हमारे WBC कमजोर पड़ गया, कुछ हुआ, हो जाता है। हम लोग के घर में कभी कभी चोर कैसे घुस जाता है, कभी कभी ध्यान भटका हो गया। आप एक कोनो सोशल मीडिया पे हमारा फोटो लगाया था, अब बगल में मोदी जी का फोटो लगाया था, वो भी दाढ़ी बनाए थे, हम भी दाढ़ी बनाए थे, हमने निकले ब्लैक फंगस, उनको लिखा था व्हाइट फंगस। ऐसा ऐसा लिखता है सर। अच्छा, इनको क्या लगता है कि हम इनसे, इनके बातों को हम ध्यान देंगे? एक चीज ध्यान दे, जो आपका विरोध करे आप उसकी बातों को ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो आपको से नफरत करे वो कभी आपका नहीं होगा, समझा। दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर होता है। आप तो विरोध करने वाले को हम विरोध को शांत करके कुछ चीज डिस्प्यूट को खत्म कर सकते, लेकिन जिस इंसान को एकदम हेटरेट हो जाता है ना, फिर उससे बहुत दिक्कत होता है इंसान। तो जरूरत से ज्यादा सबको तवज्जो नहीं देना चाहिए, समझा कि नहीं? किसको किसको सफाई दीजिएगा, आदमी है कि सर्फ एक्सल।